कटिंग से एलोवेरा लगाना बहुत ही आसान तरीका होता है और इसी तरीके से ऑलमोस्ट लोग कटिंग से एलोवेरा लगाते हैं। इसके लिए आपको इस तरीके से कंटेनर चाहिए जिसमें प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज हो। ये छोटा प्लांट है तो इसलिए आपको छोटे से ही कंटेनर में इसको लगाना है। अगर आप बहुत बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा उस तरीके से। जब ये बड़ा हो जाए तो आप इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मल सॉइल चाहिए। नॉर्मल आप कोई भी सॉइल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा किसी भी सॉइल को अडॉप्ट कर सकता है। मैं इस प्लांट को ग्रो करने के लिए नॉर्मल सॉइल ही यूज करती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से इसमें लग जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको एक बार लगाएंगे और किसी भी साइड कॉर्नर में रख देंगे, ये आराम से लग जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से और उसे हम लगाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है उसके बारे में, तो वो प्लांट मर जाते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होते हैं। और ये प्लांट आप एक बार लगाएंगे इस तरीके से तो ये प्लांट आसानी से लग जाएंगे। बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। केयर के बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि पानी प्रॉपर तरीके से आपको इसमें नहीं देना है, जैसे आप अदर प्लांट में देते हैं। इसको सिर्फ पानी बहुत ही कम देना है। जब ये मिट्टी एकदम सूख जाए फिर आप इसमें पानी डालें। चूंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है तो इस वजह से इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। इसलिए आपको ये प्लांट ग्रो करना चाहिए। ये इजीली ग्रो हो जाता है जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें और सारे प्लांट लगाने के लिए। मिट्टी के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में 30% सैंड होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो क्ले तरीके से हो जाता है। अब इसमें हम वाटर डालेंगे। वाटर का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे। जब भी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तभी आप वाटर का इस्तेमाल करें। और इसको ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे धूप आती हो। 5 से 6 घंटे की धूप इसको ज़रूरत होती है और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए, और ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। 1 मंथ के बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट कुछ इस तरीके से ग्रो कर गया है। इसमें कई सारे ब्रांचेस आ चुके हैं। आप इसे चाहें तो इस बेबी प्लांट को निकाल के शिफ्ट करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं आप।